उज्जैन के आगर रोड पर उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा शासकीय चरक हॉस्पिटल है, जहां राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लहराया गया। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज स्टैंड खाली रहा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर हॉस्पिटल बनाया गया है और राष्ट्रीय ध्वज को लहराने और सलामी देने के लिए ध्वज स्टैंड भी बना हुआ है, पर शासकीय अस्पताल में जमकर लापरवाही देखी गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपको पता है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव बनाया जा रहा है, पूरे देश प्रदेश में छोटे छोटे कस्बों में लेकर बड़ा उत्साह है। आप देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार की जो बनी हुई मल्टी है, इसमें अभी भी बाहर एक चक्का जाम करके वो महिलाओं को डेड बॉडी नहीं दी जा रही है उसकी। और दूसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपमान ये रहेगा कि आपका राष्ट्रीय ध्वज का स्टैंड खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं लगा है। इसके जिम्मेदार कौन है? शासकीय भवन है, शासकीय हॉस्पिटल है, इसके जिम्मेदार कौन है? CHMO सर है। उनको फ़ोन लगाया 2 बार 3 बार, उन्होंने नहीं उठाया। मैं खुद जिला रोगी कल्याण समिति मेंबर रहा हूँ। मैडम की एक गलती है, संगीता पलसानिया जी की, उनको लगाया कोई जहाँ जिम्मेदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।